साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की आमदन से जायद असासाजात के केस में गिरफ्तारी को ड्रामा करार दे दिया। इस तरह के हथकंडों से पीडीएम कमजोर नहीं होगी, उनका ऐसा कहना था। आपको आगाह करें कि लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आमदन से जायद असासे केस से बड़ा कोई ड्रामा कभी जिंदगी में नहीं देखा। आमदन से जायद असासे क्या केस है, क्या एहतसाब है? अगर ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडों से पीडीएम की तहरीक कमजोर पड़ जाएगी तो ये ना तजुर्बाकार और ना अहल लोग हैं, इन्हें समझ नहीं है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इन्हें समझ ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाते हैं, या इनको समझ नहीं आता है कि एहतसाब किसका नाम है, और इन्हें समझ नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की आमदन से जायद असासाजात के केस में गिरफ्तारी को ड्रामा करार दे दिया। इस तरह के हथकंडों से पीडीएम कमजोर नहीं होगी, उनका ऐसा कहना था। आपको आगाह करें कि लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आमदन से जायद असासे केस से बड़ा कोई ड्रामा कभी जिंदगी में नहीं देखा। आमदन से जायद असासे क्या केस है, क्या एहतसाब है? अगर ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडों से पीडीएम की तहरीक कमजोर पड़ जाएगी तो ये ना तजुर्बाकार और ना अहल लोग हैं, इन्हें समझ नहीं है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इन्हें समझ ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाते हैं, या इनको समझ नहीं आता है कि एहतसाब किसका नाम है, और इन्हें समझ नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की आमदन से जायद असासाजात के केस में गिरफ्तारी को ड्रामा करार दे दिया। इस तरह के हथकंडों से पीडीएम कमजोर नहीं होगी, उनका ऐसा कहना था। आपको आगाह करें कि लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आमदन से जायद असासे केस से बड़ा कोई ड्रामा कभी जिंदगी में नहीं देखा। आमदन से जायद असासे क्या केस है, क्या एहतसाब है? अगर ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडों से पीडीएम की तहरीक कमजोर पड़ जाएगी तो ये ना तजुर्बाकार और ना अहल लोग हैं, इन्हें समझ नहीं है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इन्हें समझ ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाते हैं, या इनको समझ नहीं आता है कि एहतसाब किसका नाम है, और इन्हें समझ नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की आमदन से जायद असासाजात के केस में गिरफ्तारी को ड्रामा करार दे दिया। इस तरह के हथकंडों से पीडीएम कमजोर नहीं होगी, उनका ऐसा कहना था। आपको आगाह करें कि लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आमदन से जायद असासे केस से बड़ा कोई ड्रामा कभी जिंदगी में नहीं देखा। आमदन से जायद असासे क्या केस है, क्या एहतसाब है? अगर ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडों से पीडीएम की तहरीक कमजोर पड़ जाएगी तो ये ना तजुर्बाकार और ना अहल लोग हैं, इन्हें समझ नहीं है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इन्हें समझ ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाते हैं, या इनको समझ नहीं आता है कि एहतसाब किसका नाम है, और इन्हें समझ नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं।